वालेकुम आज हम बनाएंगे चॉकलेट पैनकेक। तो हम इस पैन में बनाएंगे इसे और पैन के अंदर ही हम चॉकलेट केक का बैटर बनाएंगे इसके अंदर डालेंगे वन फोर्थ कप तेल वन फोर्थ कप डालेंगे शुगर शुगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो और डाल सकते हैं वन फोर्थ कप मैदा वन फोर्थ कप कोको पाउडर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर वन फोरथ टी स्पून बेकिंग सोडा एक अंडा डालेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस वन फोर्थ कप दूध अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब ये हमारा केक का बैटर रेडी है एक बार इसे इस पेचलर से बराबर कर देंगे गैस पर एक पैन रखा है फ्राइंग पैन इसे मैंने पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पे गरम कर लिया था इस पैन के ऊपर हम केक वाला पैन रख देंगे और इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे ये जो ढक्कन के अंदर जो होल था इसके अंदर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है ताकि उसका जो भाप है बाहर नहीं निकले लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 17 मिनट तक बेक कर लेंगे पका लेंगे 15 मिनट हो गए हैं हम चेक कर लेते हैं टूथपिक एकदम क्लीन है तो गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं तो मैंने इसे नीचे उतार लिया है इसे हम पाँच मिनट तक इसी तरह ढक कर छोड़ देते हैं जब तक केक ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप गर्म पानी इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून कॉफ़ी दो टेबल स्पून पाउडर शुगर या तो आप शुगर भी डाल सकते हो इसे मिक्स करके साइड में रखते हैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक पैन इसके अंदर डालेंगे दो टेबल स्पून कोको पाउडर दो टेबल स्पून शुगर एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर एक कप दूध इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसे गैस चूल्हे पर रखते हैं और इसे हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि ये ठीक ना हो जाए तो मैंने इसे गैस चूल्हे पर रख दिया है गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है इसे हमको चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये ठीक ना हो जाए तो यहाँ पे दो मिनट हुआ है पकते हुए ये ठीक हो गया है अब हम गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉकलेट तो यहाँ पे मैंने लिया है 180 ग्राम चॉकलेट इसमें 150 ग्राम है मिल्क चॉकलेट और यहाँ पे मैंने लिया है 30 ग्राम डार्क चॉकलेट इसके अंदर हम डाल देंगे इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि चॉकलेट मेल्ट हो जाए आप चाहें तो सिर्फ डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं या चाहें तो फिर सिर्फ मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए यहाँ पे अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो गई है यह हमारा चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो गया है इसके अंदर शाइनिंग लाने के लिए एक टी स्पून डालेंगे बटर और इसे एक बार मिक्स कर देंगे तो हमारी गनाश बन के तैयार है अब केक की तरफ चलते हैं अब ये केक जो है एकदम से ठंडा हो गया और कितना सॉफ्ट बना है आप देख सकते हो इसे हम टूथपिक से इस तरह से होल कर देंगे अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने कॉफी का पानी बना के रखा है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे अब इसके ऊपर लगाएंगे हम चॉकलेट गनाश जो हमने बना के रखा है इसके ऊपर हम सारी गनाश डाल देंगे इसे अच्छे से हम बराबर कर देंगे बस ये हमारा केक बनके तैयार हो गया है अब इसे हम दो से तीन घंटे के लिए रख देते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो जाए ठंडा हो जाए फिर उसके बाद हम इसे काट कर दिखाएंगे तो ये हमारा केक अच्छे से सेट हो तो गया है इसे मैंने दो से तीन घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था बहुत ही अमी बना है बहुत ही सॉफ्ट बना है तो आप भी एक बार बनाएं, दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ